आज हम आपको एक ऐसे द्वीप के बारे में बताएंगे जो पानी में तैरता है। सिर्फ यही नहीं, ये अपनी एक्सिस में घूमता भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव, और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123 चैनल का अनदेखा सच वीडियो सीरीज। ये द्वीप है दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के एक झील में। अर्जेंटीना के उत्तर पूर्वी के किनारे के पास पराना डेल्टा में है यह झील। इस झील का नाम दिया गया है द आई, यानी कि आंख। यह द्वीप असाधारण है और इसका गोल आकार असामान्य है। यह जहाँ पे स्थित है इसके आसपास कोई नहीं रहता। जब गूगल सैटेलाइट के जरिए इस द्वीप की जांच की गई तो पाया गया कि यह द्वीप जिस झील पर बना है उसका आकार भी गोल है, और यह द्वीप उस झील के चारों ओर चक्कर लगाता है। हम आपको इस द्वीप का कोऑर्डिनेट दे रहे हैं ताकि आप खुद इसे देख सके। आप सोचेंगे कि इस तरह का आई क्या और भी पाए गए हैं, तो जवाब है हाँ। अर्जेंटीना में ही इंजेनियो प्राइमर क्वारेंटिनो के पास कई और इस तरह का तैरता हुआ द्वीप मौजूद है। ये द्वीप भी एक गोल झील के बीच में स्थित है, और किसी को नहीं पता कि आखिर ये कृत्रिम है या प्रकृति द्वारा बनाया हुआ एक द्वीप है। ये द्वीप भी झील के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ये द्वीप आई के तुलना में बड़ा है। इस द्वीप का आकार 170 मीटर से ऊपर है, और झील की लंबाई 206 मीटर और चौड़ाई 185 मीटर है। इस स्थान के बारे में अभी शोध बाकी है, लेकिन अगर आप इसे भी देखना चाहते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट भी हम आपको नीचे दे रहे हैं। उसी क्षेत्र के आसपास और भी इस तरह के झील है जिसके बीच में द्वीप है। उनमें से तो कुछ झील आपस में जुड़े हुए से लगते हैं, जिनमें दो द्वीपों का समूह बना हुआ है। लेकिन इन द्वीप और आई में तुलना ये है कि इसका आकार बिल्कुल सटीक और स्पष्ट है। बाकी द्वीपों के इर्द गिर्द दूसरे पेड़ पौधे उग आते हैं, लेकिन आई के साथ ऐसा नहीं है। किसी अनजान वजह के कारण पानी में रहने वाले पौधों ने इसे कवर नहीं किया। शोधकर्ताओं ने जब उस सतह की जांच की तो पाया कि इसका पानी ठंडा है और बिल्कुल साफ है। आई की सतह सख्त है, लेकिन इसके आसपास की जमीन नरम है। आई का आकार लगभग 102 मीटर है, और झील का चौड़ाई लगभग 120 मीटर है। स्थानीय लोग इन टेटे द्वीपों को एम्बलसाडो कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इनके इस तरह घूमना पानी के बहाव और हवा के रुख पर निर्भर करता है। ये द्वीप बड़े जानवरों जैसे गाय तक का वजन उठा सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस झील के पास के कब्रिस्तान में उन्होंने भूतों की परछाई देखी है। साथ ही उनका कहना है कि उन्होंने वहाँ भूतिया रोशनी भी देखी है। लोग इन रोशनियों को लाजमाला कहते हैं। इस तरह की कहानियाँ अर्जेंटीना में बहुत ही प्रचलित है। वहाँ के लोगों का मानना है कि ये रोशनी उन आत्माओं की है जो कष्ट में है। लेकिन एलियन और यूएफओ में विश्वास करने वाले लोग इसे नकारते हैं। उन लोगों का मानना है कि ये द्वीप एलियन ने बनाया है, लेकिन क्यों इसका कोई जवाब नहीं है। आई के पास से जो नदी बहती है वहाँ पर 2011 में चार गोल आकार देखे गए, लेकिन बाद में वो गोले गायब भी हो गए। ऐसा टेटा हुआ आइलैंड भारत में भी मौजूद है, और वो है मणिपुर में। लोकटक झील नाम का ये झील उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ी साफ पानी की झील है। यहाँ पर भी टेटा हुआ द्वीप देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे भूखंड या द्वीप पानी में तैरते हैं। इन द्वीपों को फुमदी के नाम से जाना जाता है। ये फुमदी मिट्टी, पेड़ पौधों और जैविक पदार्थों से मिलकर बनते हैं, और धरती की तरह कठोर होते हैं, जिन्होंने झील के काफ़ी बड़े भाग को कवर किया हुआ है। इस तरह का एक और द्वीप हिमाचल के प्रसार झील में भी है, लेकिन ये द्वीप झील के अनुपात में काफ़ी छोटा है। इस तरह के गोल द्वीप नदियों पर या बड़े झीलों में भी बनते हैं। इन द्वीपों का गोलाकार होने का कारण है पानी के तेज बहाव से पैदा होने वाला सेंट्रीपेटल फोर्स। लेकिन आई जैसे छोटे झील में इस तरह का बहाव नहीं होता है जो इस तरह के द्वीप को गोल आकार प्रदान कर सके। डा आई का शोधकर्ताओं द्वारा जांच करने पर पाया गया कि इस झील में मीथेन गैस है। मीथेन गैस हवा से हल्का होता है। मीथेन गैस हो सकता है इस द्वीप के तैरने का कारण, लेकिन ये बना कैसे या फिर किसी ने बनाया है ये अभी भी सुलझ नहीं सका है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके इंसानों द्वारा बनाए जाने का कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। तो क्या इसे प्रकृति ने बनाया है, लेकिन कैसे, ये अभी भी सुलझ नहीं सका है।
दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल में इस तरह के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जैसे कि अभी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस दिख रहे हैं। कृपया इनको देखें या फिर हमारे चैनल में जाएं, जहां पर 100 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड है। धन्यवाद।